السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سامعین عزیز وقار اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمت اور اس دے فضل کرم دے نال تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت دا موقع ملیا ہے اور پہلی دفعہ سرمایہ اہل حدیث تحصیل پاک پتن امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین حضرت مولانا قاری خلیل اللہ فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی مسند تے کھڑے ہو کے دونوں کو سنان دا موقع میسر آیا ہے اللہ تعالی میرا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اور میرے شیخ محترم دا اے سبب بننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ دے گھر اندر بیٹھنا اے بہت بڑی سعادت دی بات ہے اللہ دے گھر دے اندر جڑا بندہ با وضو ہو کے بیندا ہے اس ہی طرح کہ جویں وہ نماز دی حالت دے اندر جیڑا بھی اس دنیا تے آیا ہے ہمیشہ واسطے نہیں آیا ہر بندے نے موت دا پیالہ پینا ہے اور ہر بندے نے قبر اندر جانا ہے قبر دے اندر میرے تیرے نال کس طرح دا سلوک کیتا جائے گا امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے نے جڑا بندہ اے دیکھنا چاہندا ہے قبر دے اندر میرے نال کس طرح دا سلوک کیتا جائے گا اس بندے نو چاہیدہ ہے اپنے جسم دی قبر دے اندر اپنے دل دی حالت تے غور کرے جسم دی قبر دے اندر جو حالت جو کفیت اس دے دل دی ہے اوہو حالت اس انسان دی قبر دے اندر ہوئے گی اگر دل ایمان دے نال منور ہے اگر دل ایمان دے نال بھریا ہے دل دے اندر حسد نہیں دل اندر بغض نہیں دل اندر کینہ نہیں دل اندر رقت ہے دل اندر نرمی ہے
दिल अंदर नेकी दा ज़ौक है, दिल अंदर नेकी दा शौक है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बड़े शौक नाल सुनदा है, बड़ी दिल जमी दे नाल, बड़ी मुहब्बत दे नाल, बड़े प्यार दे नाल। कबर दे अंदर भी इस बंदे नू अल्लाह ताला जन्नत दा माहौल अता फरमानगे, इस बंदे दी कबर नू नूर नाल अल्लाह ताला मुनव्वर फरमा देंगे। खुदा ना खास्ता अगर दिल की कफियत इस तू बरक्स है, दिल अंदर नेकी दा जौक नहीं, नेकी दा शौक नहीं, दिल अंदर निफाक है, दिल अंदर बुगज है, दिल अंदर हसद, गुनाहों की आलूदगी की वजह तू दिल काला स्याह है, उस बंदे ने अपनी दुनिया भी खराब कर ली और उस बंदे ने अपनी आखरत और कबर नू भी हंदेर कर लिया। साढ़े मुआशरे के अंदर तकरीबन हर बुराई पाई जा रही है। अज का खुतबा तेरे दिल ते दस्तक देगा, मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अगर सुनेगा तो इंशाल्लाह किसी नतीजे के बाद पहुंचेगी। मेरा मुआशरा इस वक्त हलाकत दे आखिरी किनारे ते खड़ा है और मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा मसाइल के अंदर घिरे है। हर बंदा परेशान है, हर बच्चा परेशान है, हर घर अंदर परेशानी, टेंशन, महंगाई का अजाब, हुक्मराना दे जुल्म और ज्याती का अजाब, और मेरे मुल्क पाकिस्तान का बाद हिस्सा सलाब की जद अंदर मुसलमान जमीन दे चप्पे चप्पे ते जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। दुआवां कीतियां जा रही ने, इल्तजावां कीतियां जा रही ने, हाड़े पाए जा रहे ने, लेकिन हालात तब्दील होंदे नज़र नहीं आ रहे, हालात बदलते नज़र नहीं आ रहे। हजरात इसकी वजह क्या है? जिस तरह मेरे मुआशरे अंदर हर गुनाह पाया जा रहा है ना, शिरक पाया जा रहा है, बिदआत कीतियां जा रही हैं, चोरी डकेटी जना फहाशी उरियानी गाने म्यूजिक मौसीकी बेपर्दगी, हर गुनाह, लेकिन बाज गुनाह ऐसे ने कि जिन्ना गुनाहों से अल्लाह पाक का अर्श भी हल जाता है, बाज गुनाह ऐसे ने कि जिन्ना दी मुआफी नहीं, बाज गुनाह ऐसे ने कि जिन्ना दी सजा अल्लाह बंदे नू दुनिया ते भी देंदा है और क्यामत वाले दिन भी मिले। उन्हां दे विचों जिहड़ा अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मैं बयान करना है, वह है वाले दैन दे नाल बुरा सलूक करना, वाले दैन दा दिल दुखाना, वाले दैन नू बुरा कहना, वाले दैन दे नाल अच्छा सलूक ना करना। हज़रात तेरे पाक बदन दे अंदर एक वाकया रोनुमा होया है और तुसी उस वाक्य तो बाखूबी वाकफ हो। इत्थे ही बस नहीं, जलालपुर पीर वाला दे अंदर भी एक बेटे बदबख्त ने अपने ज़ईफुल उमर बाप नू लोहे दे सरिये दे नाल मारिया है। दीपालपुर दे अंदर दो बेटियां ने रल के अपने बाप नू मारिया है, अपनी मां नू मारिया है। जिस माशरे दे अंदर नौजवान अपने वालिदैन ते इस तरह का जुलम और ज्याती वाला मुआमला करन,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇਆ ਕਰੇ? ਵਾਲਿਦੈਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਕਾਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਜ਼ ਅਖਜ਼ਨਾ ਮੀਸਾਕਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਲਾ ਤਅਬੂਦੂਨ ਇਲਲਲਾਹ ਵਾ ਬਿਲਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੱਚਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਆਏ। ਐ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਿਓ, ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਜਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਰਕੂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਏ ਇਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਬਿਲਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਮ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਅਬੁਦੁੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂ ਬਿਹੀ ਸ਼ਈਆ, ਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ, ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਗੋ, ਇਬਾਦਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਏ ਇਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਏ, ਰੁਕੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ, ਸਜਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ, ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਬਿਲਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਏ। ਅਜ਼ਰਾ ਸੂਰਤ ਅਨਾਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਕਾਮ ਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਤਾਲੋ ਅਤਲੂ ਮਾ ਹਰਮ ਰੱਬੁਕੁਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਲਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂ ਬਿਹੀ ਸ਼ਈਆ ਵਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ, ਅਰ
अरशां ते अल्लाह कल्ला ए, दुनिया ते वाले दैन कल्ले ने, सारयां दा दाता भी अल्लाह ए, ते कायनात दे ओ लोगो दुनिया ते जेड़ा मजाजी बापे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, जेड़ा मजाजी खुदा अल्लाह पाक ने बनाया है। अदराद बाप भी कल्ला ए, मां भी कल्ली ए, अरशां दे रब नू सजदा करना है, ते वाले दैन दे नाल चंगा सलूक करना है। हुण कुराने पाक दा चौथा मकाम सुनिए, अल्लाह फरमांदे ने वाकाजा रब का अल्लाह ताबुदूं इल्ला इयाहु वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्व वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया है सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे ओ लोगो इबादत कल्ले अल्लाह दी करिया जे, रुकू कल्ले अल्लाह नू करिया जे सुबहान अल्लाह। अगे अल्लाह फरमांदे ने वालिदैन दे नाल चंगा सलूक करना, वालिदैन नाल अच्छा सलूक करना है, वालिदैन वास्ते अपने बाजुआं नू बिछा देना है, वालिदैन सख्ती कर देने तू फिर भी उन्ना दे नाल नरमी वाला मुआमला करना है। अल्लाह फरमांदे ने उफ तक भी नहीं कहना, अपने वाले दैन उफ भी नहीं कहना सुबहान अल्लाह। हज़रात मैनू याद आया मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजल होण वाला कुरान है। अल्लाह फरमांदे ने अपने वालिदैन उफ तक भी नहीं कहना। हज़रात बाप ने अपने बेटे नू पढ़ाया है, इलम सिखाया है। एक दिन ऐसा आया बाप बुढ़ापे दी हालत अंदर पहुँच गया है, ते बाप कहंदा मेरे बेटे सामने जेड़ा परिंदा बैठा जरा इस परिंदे दा मैनू नाम ते दस, इस परिंदे दा नाम की है। ते एक वारी बां बेटा बोल के कहिंदा अब्बा इंदा नाम कौआ कां है। हज़रात पांच मिनट गुजरे ते बाप दोबारा कहिंदा ऐ मेरे बेटे इस परिंदे दा नाम ते दस। ये बेटा कहिंदा अब्बा तैनू पहले मैं दस्या भुल गया है इंदा नाम कां है। हज़रात पांच मिनट गुजरे थोड़ी देर तो बाद फिर बाप कहिंदा ऐ मेरे पुत्र मैनू इंदा नां दसिया परिंदे दा नां की है। ए कहिंदा तैनू किन्नी वारी मैं दसी खड़ावा इंदा नां कां है, अब्बा कां बैठा होया। हज़रात पंजवी मरतबा फिर पूछिया ते बेटे नू गुस्सा आ जांदा है, बेटा नाराज होंदा है, बेटा गल्लां सुनांदा है, ते बेटा कहिंदा बा तैनू मैं किन्नी वारी दस चुकिया वा कां बैठाए कां बैठाए कां बैठाए। हज़रात बुढ़ा बाप उठिया ते घर चला गया, अपने कमरे विचों जाके एक कापी उला कापी उठा के लियांदा है। हज़रात एक डायरी लैके आंदा है ते कहंदा ऐ मेरे बेटे आ डायरी ते वे की लिखिया है, इस वर्के ते वे की लिखिया है। हज़रात ए बेटा पढ़ी जांदा है ते बाप कहंदा जे नहीं समझ आंदी ते मैं समझा देना वा, इंज दा मंजर मैं जवानी दे आलम अंदर सा तू अजे छोटा जिहा सी, इंज दा माहौल तेरे होंदिया भी बनिया सी, तू मेरे कोलो पुछिया सी अब्बा आ परिंदा केड़ा है, ते मैं तेनू दसिया सी कां ए, एक वारी नहीं बल्कि तू पंजी मरतबा मेरे कोलो पुछिया है, ते मैं बार बार लिखदा भी गया ते बार बार तैनू दसदा भी गया वा के पुत्र कां ए कां ए कां ए। हज़रात ज़ी
स्वीकार। ए बाप कहंदा पुत्रा तू पंजी वारी पुछया ते मैं नाराज नहीं सा होया, मैं गुस्सा नहीं सी कीता, ते मैं तेरे को पंज वारी पुछया है, तू तो नाराज हो गया है। ऐ मेरे बेटे तू तो हिम्मत हार गया, तू तो हौसले हार गया। अल्लाह फरमांदे ने इंदा कल की बारा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह फरमांदे ने जदों ज़ईफ हो जान, जदों वडेरी उम्र अंदर चले जान, अल्लाह फरमांदे ने उफ तक भी नहीं कहना, इन्हां दे अगे सख्ती नाल कलाम ही नहीं करने। हज़रत ज़ीवकार मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वाले देन दियां बड़ियां अजमतां बयान फरमाइयां ने। आओ मैं नबी पाक दी हदीस सुनावा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमाए कान वाला नबी पाक दे कोल आया है, आके कहंदा महबूबा सोनिया मैं जिहाद वास्ते जाना चाहना वा, मैं गज़वे अंदर जाना चाहना वा। अल्लाह दे नबी मैनू इजाजतां दिओ ना, मैं भी तुहाडे नाल जिहाद ते जाना चाहना। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी तेरे घर दे अंदर तेरी वालदा जिंदा है, तेरे घर दे अंदर तेरे वाले दैन जिंदा ने। ये कहंदा अल्लाह दे नबी मेरे वाले दैन जिंदा ने। एक हदीस पाक दे अंदर ये कहंदा अल्लाह दे नबी मेरी वालदा जिंदा है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने फा इन्नल जन्ना। आका फरमांदे ने अपने वाले दैन दी जाके खिदमत कर, अल्लाह ने तेरे वाले दैन दी खिदमत दे अंदर तेरी जन्नत रख दीती है। तेरी वालदा दे कदमां दे नीचे अल्लाह ने तेरियां जन्नतां रखियां ने। हज़रात दूसरी हदीस दा मफहूम एवे, तू वाले दैन दी खिदमत करेगा, वाले दैन नाल चंगा सलूक करेगा, अल्लाह तेनू जिहाद दा सवाब अता कर देवेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वालिदैन दी खिदमत करन वाले नू अल्लाह जिहाद दे बराबर सवाब अता फरमांदे ने। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कान वाला आके कहंदा सोनिया सारे लोगां तो ज्यादा मेरे हुस्ने सलूक दा हकदार ज्यादा कौन है। मेरे आका फरमांदे ने तेरी मां तेरे हुस्ने सलूक दा ज्यादा हकदार है। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, तीन मरतबा नबी पाक फरमांदे ने तेरे हुस्ने सलूक दा ज्यादा हकदार सारे रिश्तेदारां दे विचों तेरी मां दा ज्यादा हक है। चौथे नंबर ते मेरे आका फरमांदे ने सुम्मा अबू का, आका फरमांदे ने फिर तेरे बाप दा तेरे ते हक है। मां दियां भी खिदमतां करनियां ने और अपने बाप दियां भी खिदमतां करनियां ने। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने अल्लाह ने वालद नो जन्नत दा दरवाजा बनाया है। सुभान अल्लाह, वालद अल्लाह ने वालद नो ए दर्जा अता फरमाया है, तेरे बाप नो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है, तेरे बाप नो अल्लाह ने ए शान अता फरमाया है। आका फरमांदे ने अल्लाह ने तेरे वालद नो जन्नत दा दर्जा करार नदा दरवाजा करार दिता है। अज दुनिया ते रह के अपने वालद दियां खिदमतां करेगा, अज दुनिया ते रह के अपने वालदैन दे नाल अच्छा सलूक करेगा, अज दुनिया ते रह के अपने वालद दियां खिदमतां करेगा, अल्लाह तेनू क्यामत वाले दिन जन्नत दा दाखला अता कर देवेगा। हज़रत ज़ीवकार कौर हदीस समाप्त करना। मेरे साथ कुल मसदूक पैगंबर जा
जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा है पसंद करदा है अल्लाह उंदी जिंदगी लंबी कर देवे, उंदी उम्र अंदर बरकात दा नज़ूल कर देवे, अल्लाह उंदे रिज़क दे अंदर बरकात दा नज़ूल कर देवे। 19 एसपी वालिया नबी पाक फरमांदे ने उनु चाहिदा है अपने वाले दैन नाल चंगा सलूक करे, अपने वाले दैन दियां खिदमतां करया करे, जेड़ा अपने वाले दैन दियां खिदमतां करदा है अपने वाले दैन नाल चंगा सलूक करदा है। आका फरमांदे ने अल्लाह इंदी उम्र अंदर बरकात दा नज़ूल फरमांदे ने, अल्लाह इंदी गरीबी खत्म कर देंदे ने, अल्लाह इंदियां तंग दस्तियां खत्म कर देंदे ने। लोगों कारियां कोलों दुआवां करवाना है, हाफलां कोलों दुआवां करवाना है, अल्लाह दी कसमे कारी दी दुआ बाद अंदर असर करे, हाफज दी दुआ बाद अंदर असर करे, इमाम दी दुआ बाद अंदर असर करे, लेकिन कदे अपने वाले दैन कोलों दुआवां ले आ कर, इन्हां दी दुआ दी कबूलियत अंदर शके, लेकिन अल्लाह वाले दैन दी दुआ नू फौरन कबूल फरमा लेंदे ने। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, तीन दुआवां ऐसियां ने जिन्हां दी कबूलियत अंदर शक ही कोई नहीं है। उन्हां चों पहली दुआ एवे, आका फरमांदे ने वालद अपनी औलाद वास्ते दुआ करे, अल्लाह वालद दी दुआ नू कदे रद्द नहीं फरमांदा, अल्लाह वालद दे उठे हत्थां नू कदे खाली नहीं मोड़दा। हज़रात आइए मैं सही अल बुखारी खोला, परेशानियां परेशानियां मुसीबतां बीमारियां, अल्लाह दी कसमे मापिया नाल चंगा सलूक कर ते सही है, अल्लाह तेरियां परेशानियां खत्म कर देवे, अल्लाह तेरे दुख खत्म कर देवे। मैनू याद आया तीन बंदे जा रहे ने जंगल दे अंदर, चलते चलद हजरात बारिश आ गई, तूफान आ गया है, इन्ना जल्दी दे नाल बारिश तो बचन वास्ते, तूफान तो बचन वास्ते इन्ना ने एक गार दा सहारा ले आए, एक गार दे अंदर दाखल हो जाते ने। हजरात खुदा दा करना ऐसा होया, लोगो बड़ी वड्डी चट्टान जेड़ी है, बड़ा वड्डा पत्थर जेड़ा है, इस गार दे दरवाजे दे अगे आ जाता है, गार दा दरवाजा बंद हो जाता है, ये जिंदा कबर अंदर ही दाखल हो गए ने। अदराल हनेरा हनेरा ये तिन्ने बंदे रल के इस पत्थर नू हटा नहीं सकते, ये तिन्ने बंदे रल के इस पत्थर नू साइड ते नहीं कर सकते। अदरात उन कहिंदे की ने, अपने नेक अमलां दा अल्लाह दे हां वसीला पेश करिए। अदरात इन्हां विचों एक बोलन वाला बोलिया, कहंदा अल्लाह सोनिया मैं बकरियां चराण वाला, मैं जंगल दे अंदर बकरियां चराया करदा सां, बकरियां चरांदा चरांदा अल्लाह दे अल्लाह सोनिया मैं दूर निकल गया, लेट रात नू लेट घर अंदर आया वा, मेरा तर्ज अमले सी जदों मैं घर अंदर आंदा सां, दुध चो के पहले वाले दिन नू पिलांदा सां, पहले अपने वाले दैन दे सामने रखदा सा, फिर मैं अपने बच्चियां नू पिलांदा सा, अपने बच्चियां दी फिकर ना करया कर, वाले दैन दी फिकर करया कर, अपने बच्चियां दे खर्चियां दी फिकर ना करया कर, वाले दैन दी फिकर करया कर, अल्लाह रहमता ही रहमता फरमा देगा, अल्लाह बरकता ही बरकता फरमा देगा। अल्लाह दे अगे तरले पांदा पिया, अल्लाह दा टाइम होया लेट घर आया वा, बकरियां दा दुध चोया है, बर्तन अंदर पाया है, ते वाले दैन नू पिलान वास्ते नेड़े आया। अल्लाह सोनिया वालदा भी सौ गई है, ते मेरा बाप भी सौ गया है, मैं इन्हां दी सरांदी खड़ा हो गया वा, ते इन्हां दे बेदार होण दा इंतजार कर रहा। ओए नौजवाना निक्की निक्की गल तो मापियां दी नींद खराब ना कर,
ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅੰਦਰ ਖਲਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਿਦਾਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਬਿਦਾਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ ਅਦਰਾਤੇ ਜੀਵਕਾਰ ਇੱਧਰ ਗੌਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫਰੂਟ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਏ ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘਾੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੱਥਰ ਸੈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਸੈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਇੰਜ ਦਾ ਅਮਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਬਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਉਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਰਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਯਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਜਾਓ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਲਾ ਕਰਨ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਓਵੈਸ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਓਵੈਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਵੈਸ ਹੈ ਕਰਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੈਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਤਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਬੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਵੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
मापियां दी खिदमत करिया कर, मापियां नू मारिया ना कर। आका फरमांदे ने ओ अपनी वालिदा दी खिदमत दी वजह तू मेरियां ज़ियारतां नहीं कर सकया, अपनी वालदा दी खिदमत दी वजह तू मेरे तक नहीं आ सकया। ओए करीमान नसावांदा, ओए करीमान नसावांदा, पहला हक दीन दाए फिर हक प्यो मावांदा, करीमान नसावांदा, पहला हक दीन दाए फिर हक प्यो मावांदा। बाकी सब अफसाने हैं, बाकी सब अफसाने हैं। ओए माँ प्यो धरती ते अनमोल खजाने हैं, ओए माँ प्यो धरती ते अनमोल खजाने हैं। ओए करीमान नसावांदा, दम दम जी जी होवे, ओए दम दम जी जी होवे, माँ प्यो नू झिड़की ना भले काफिर भी होवे। तू कहना जी मैं अपने बाप दा कदर किवें करा, मेरा बाप ते जालम ही बड़ा, मैं अपने बाप दा हया किवें करा, ए ते मैनू विरासत नहीं देंदा पिया, मैं अपने बाप दा हया किवें करा, ए ते जानी ए ते डकेटे। अल्लाह दी कसम मेरी शरीयत आंदी है, तेरा बाप काफर भी है ते तू सलोक चंगा करना, तेरा बाप काफर भी है ते तू उहदे नाल नरमियां ही करनियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ओए दम दम जी जी होवे, मापियां नू जिड़े की ना भले काफिर भी होवे। नौजवाना करीमान नसावांदा, पहला हक दीन दाए फिर हक प्यो मावांदा। मेरे सादिकुल मसदूक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात मेरी गुफ्तगू दा खुलासा एवे, वाले दैनल खिदमत करया कर, वाले दैनल प्यार करया कर, अल्लाह जन्नत अता फरमानगे, अल्लाह तेनू रहमत अता फरमानगे, अल्लाह तेनू मुश्किलां चू कढ़ देणगे, अल्लाह तेरियां दुआवां कबूल फरमानगे। आइए हज़रात मैं तेरे सामने कैसा वाकया पेश करा जेड़ा अज दुनिया ते रह के अपने वाले दैन नाल चंगा सलूक ना करे, अपने वाले दैन नाल बुरा सलूक करदा है, अल्लाह उस बंदे नू इबर दा निशान बना देंदे ने। सिलसिला तरगीब व तरहीब अंदर हदीस पा के एक इमाम साहब जा रहे ने, कहंदे ने मैं चलदियां चलदियां एक कबर दे कोलों गुजरिया, कब्रस्तान दे कोलों गुजरिया, मैं चलदियां चलदियां कब्रस्तान दे कोलों गुजरिया वा, एक असर दा टाइम होया एक कबर फटी है, इंदे विचों एक बंदा निकलदा है, इंदा सारा जिस्म ते इंसाना वर्गा है, इंदा मुंह जेड़ा है ओ गधे दी तरह बनया होया है, इंदा मुंह जेड़ा खोते दा बनया होया है, ते मैं नजरां घुमाइया एक अम्मा ते नजर पई है, एक माई ते मेरियां नजरां पईया, मैं जाके कहना नहीं अम्मा आ कबर फटी है, एक बंदे ने तीन दफा गधे दी तरह आवाज कढ के दोबारा इस कबर दे अंदर दफन हो गया, दोबारा इस कबर दे अंदर दाखल हो गया। इधर गौर कर मापिया नू गाला कढ़न वालिया, ओए ओ ते है ही बदबख्त है जिन्ने बाप दे मुंह ते लिथर मारे ने, उंदी गल ते मैं बाद अंदर करा, जेड़ा मापिया नू गाल कढ़दा है अल्लाह नू इबर दा निशान बना देंदा है। ए मां कहंदी है मैं इंदी मां वा, ए मेरा बेटा है, ए शराब पिया करदा सी ते मैनू
शराब तो रोकिया कर दी बेटा शराब ना पिया कर शराब तू अल्लाह नाराज हो जाता है ये मैनू कहिंदा सी एवें खोते दी तरह हींग दी रहनी है एवें खोती दी तरह हींग दी रहनी है जा अपना काम कर दे मैनू अपना काम कर दे इन्ना बादशाह रब्बी काला शदीद ओए नौजवाना अगर हाथ बनने जायज होंदे मैं तेरे सामने हाथ बन देना अपने मापिया नू बुरा ना आखिया कर अल्लाह तेनू दुनिया ते भी जलील कर देवेगा क्यामत वाले दिन भी जलील हो जाएगा इन्हें अपनी मां नू खोती आखिया है अल्लाह ने नू इबरत दा निशान बनाया है ए कहंदी है पुत्र मैं इंदी मां वां रोजाना असर दा टाइम हुंदा इंदी एवें लाश निकलदी है ते तीन मरतबा ए खोते दी तरह आवाज कढ के ते कबर अंदर दाखल हो जांदा यार अल्लाह ने किस तरह इबरत दा निशान बनाया है पता नहीं कबर अंदर इन्हें नाल किस तरह का सलूक किया जा रहा होएगा आ वेखना नबी पाक तशरीफ फरमाने आपके सहाबा तशरीफ फरमाने एक नौजवान आया अपने बाप की शिकायत लैके कहिंदा सोने आ जिहड़ा मेरा बाप है ना ये मेरी इजाजत तो बगैर मेरे पैसे चुक के खर्च कर लैंदा है मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा अपने बाप नू बुला के लिया हजरात अपने बाप नू बुला के लैके आया नबी पाक फरमांदे ने हाँ जी बुजुर्गो तुसी अपने बेटे दे पैसे क्यों उठा लेंदे हो हजरात जीवकार इधर गौर करना तेरे कलेजे नू रोग पावा ए बाबा नीवी पा के रोई जा रहा है ए बाबा नीवी पा के आंसू अथरू सुटी जा रहा है ते नबी पाक नू कहंदा सोनिया मेरे बेटे को पुछो ते सही जेड़ा मैं खर्चा चुकना वा मैं इनके बच्चियां ते लगाना या अपने रिश्तेदारां ते खर्च करना अजे एनियां गल्लां हो रही ने मैं ते हदीसे मुबारक अंदर पढ़िया आसमाना तो वही दा नज़ूल हो गया अल्लाह ने जिब्राइल अमीन नू भेजिया अल्लाह फरमांदे ने जा जिब्रील मेरे नबी नू जाके कह दे ए जदों बाबा तुहाडे कोल आ रहा सी ए जेड़े शेर पढ़दा आ रहा सी इनू को पहले ओ शेर ते सुनावे नबी पाक फरमांदे ने ओए बुजुर्गो जेड़े तुसी शेर पढ़दे आए हो दिल दे अंदर जरा ओ शेर ते सुनाओ ना ए बाबे ने शेर सुनाए ने अदराल शेर ते अरबी दे अंदर ने लेकिन उन्ना दा तर्जमा एवे सोनिया ए निका हुंदा सी ते मैं दिया परवशा करदा सा ए निका हुंदा सी इनू बुखार हो जाना ते सारी सारी रात मैं बह के गुजारदा सा मैं इंदा बुखार ते दिया तकलीफा मेरे को बर्दाश्त नहीं सन होंदिया जदों ये थोड़ा जिहा वड्डा होया सोनिया ते मैं इंदे वास्ते कमाना शुरू कर दिता है मैं मेहनत मजदूरियां करनिया शुरू कर दीतिया ने अल्लाह दे नबी जिन्नी देर तक मेरे हड्डां च जान रही है जिन्नी देर तक मेरा जिसम सलामत रहा मैं इंदे वास्ते कमांदा रहा ते इनू खिलांदा रहा अल्लाह दे नबी हुण मेरे कोलो कमाया नहीं जांदा अल्लाह दे नबी हुण मेरे कोलो मेहनत नहीं होंदिया ओए 19 एसपी वालिया जरा दिल ते मैं दस्तक देन लगिया वां इधर गौर करना ए बाबा कहिंदा अल्लाह दे नबी हुण मेरे कोलो कमाया नहीं जांदा हुण मेरे कोलो मेहनत नहीं कीतियां जांदियां ओए नबी पाक दे अथरू आप दी दाड़ी नू तर कर रहे ने ते नबी पाक इस बाबे दियां गल्लां सुन के रोई जा रहे ने ते नबी पाक ने जदों सारा वाकया सुनिया आका फरमांदे ने ओ जा बदबख्ता हदीस पाक लिखिया नबी पाक ने इंदे सीने ते हाथ मारिया है नबी पाक ने इस बेटे दा गिरेबान फड़िया ते आका फरमांदे ने तू ही अपने बाप दा वे
ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है। इन्ना बाबियां नू परेशान ना करिया कर, इन्ना हजरत जीवकार अपने वाल दा हया करिया कर, अपने बुढ़े बाप दा हया करिया कर। एक कमान जोगा नहीं है, अल्लाह ने इंदे वजूद दे अंदर बड़िया बरकतां रखिया ने। इंदा वजूद ही बायस बरकत है, इंदा वजूद ही अल्लाह दियां रहमतां नू लुटी जा रहा है। मैनू याद आया मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मापे बच्चियां वास्ते रब दियां खास अतावां हुंदियां ने। साक बड़े ने दुनिया ते पर मावां मावां हुंदियां ने। मापे बच्चियां वास्ते रब दियां खास अतावां हुंदियां ने। साक बड़े ने दुनिया ते पर मावां मावा हुंदिया ने। मेरी कल्ले दी ए गल नहीं, कौले सारे जगदाए। मापिया बाजू घर दा वेड़ा खाली खाली लगदा है। मापे इंज ने जिवें सिराते, मापे इंज ने जिवें सिराते, रहमत दियां छावां हुंदियां ने। साक बड़े ने दुनिया ते पर मामा मामा हुंदियां ने। हज़रात आखरी वाक्या ते मेरा सलाम है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ला यदखुलून अल जन्ना, ओ बंदा अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल नहीं होएगा जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दा नाम फरमाने। दूसरी हदीस मुबारक आका फरमांदे ने, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला यौमल कियामा, कियामत अल्लाह दिन होएगा अल्लाह उस बंदे दी तरफ नजरे रहमत नाल नहीं वेखे जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के वाले दैन दा ना फरमाने। तीसरी हदीसे मुबारका मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, एक मेरी उम्मत दा बदबख्त ऐसा है जिंदी अल्लाह ना नफली नमाज कबूल करदा, ना अल्लाह फर्जी नमाज कबूल करदा। नबी दे सहाबा कंब गए, अल्लाह दे नबी ओ केड़ा बंदा है जिंदी अल्लाह फर्जी भी कबूल नहीं करदा ते जिंदे अल्लाह नफल भी कबूल नहीं करदा। मेरे आका फरमांदे ने, मेरी उम्मत दा ओ बदबख्त बंदा है जिहड़ा वाले दैन दा ना फरमाने। वाले दैन दे ना फरमान दियां अल्लाह नमाज़ां कबूल नहीं करदा। वालिदैन दे ना फरमान दियां अल्लाह हज्जां कबूल नहीं करदा। वालिदैन दे ना फरमान दियां अल्लाह तहज्जुदां कबूल नहीं करदा। आ मैं चौथी हदीस सुनावां, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा वालिदैन नू बुरा कहिंदा, वालिदैन नू गाली कढ़दा है, फरमाया अल्लाह ने ऐसे बंदे ते लानत फरमाई है। ए लानती बंदा जेड़ा वालिदैन नू बुरा कहिंदा, ए गंदा बंदा जेड़ा वालिदैन दा दिल दुखांदा। हज़रत जीवकार पंजवीं हदीस दा मफहूम सुनिए, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमांदे ने, तीन गुनाह ऐसे ने जिन्ना दी सजा अल्लाह बंदे नू दुनिया ते अता करदे ने। क्यामत वाले दिन ते सजावां मिलनियां ही मिलनियां ने, लेकिन इनू दुनिया ते इंदी सजा जरूर मिलदी है। महबूबा सोणिया केड़ा गुनाह है, आका फरमांदे ने, जेड़ा वाले दैन दा नां फरमाने, जेड़ा वाले दैन दा नां फरमाने, अल्लाह उनू
दुनिया ते इबरत दा निशान बना देंदा है, अल्लाह नू दुनिया ते जलील कर देंदा है, अल्लाह नू दुनिया ते खार कर देंदा है। हजरत जीवकार 19 SP दे गयूर बाशौर मुसलमाना पर्दे अंदर तशरीफ फरमा, मेरी माओ बहनों मेरे पूरे खुतबे दा खलासा एवें, अपने वाले दैन नाल चंगा सलूक कर आ जे। तेरी उम्र 20 साल है, तेरी उम्र 30 साल है, तेरी उम्र 50 साल है, तेरी उम्र जना मैनू याद आया वसावे दा वाकया। एक वकील है, इन्ने अपनी मां ते मुकदमा कर दिता है, दीपालपुर दा वाकया। हजरत जीवकार ए मां बड़ी कमजोर है, इनू जदों जज ने बुलाया है, तवज्जो यार मेरे, इनू जज ने बुलाया है, हुण जाके अदालत अंदर कटहरे अंदर खड़ी हुई है, ते मां रोई जा रही है, आंसू बहाई जा रही है। इन्हें जना मुकदमा कर दिता इस औरत इस खातून ते, ते जज नू कहिंदी है मैं माड़ी औरत हां, मैं गरीब औरत हां, ओ जज तैनू खुदा दा वास्ता ही मेरी गल नू गौर नाल सुन लै। ये जज जनाबे वाला बड़े गौर नाल सुन लग पिया, कहिंदा जज साहब मैं रीलां वेच के, मैं चेपियां वेच के, मैं कटाइयां कर करके, मेहनतां कर करके इनू पढ़ांदी रही हां, ये जिन्ने मेरे ते मुकदमा कीता कोई गैर नहीं, मेरा मेरा बेटा है, मेरा जाया मेरा पुत्र है, अज इन्हें मेरे ते मुकदमा कर दिता। मैं मेहनत करके लोगों दिया मजदूरियां करके इनू पालती रही हाँ, इनू वकील बनाया, अज वकील बन के ने मेरे ते मुकदमा कर दिता। अल्लाह की कसम जज रोन लग पैंदा ते कहिंदा जाए बदबख्ता, ऐ मां दे आंसू को अपनी मां को माफी मंग लै, किधरे ऐसा ना होवे तेरे ते अल्लाह दा अजाब ना आ जाए। जेड़ी मां ने चेपियां वेच के, ओ मां ने रीलां वेच के, जेड़ी मां ने तेरे वास्ते लोगां दे घरां च काम करके तैनू पा लिया, अज तू उस मां नू अदालतां दे धक्के खवा रहा, अज तू उस मां नू अदालतां दे चक्कर लवा रहा। अल्लाह दी कसम जेड़ा वाले दैन दा हया नहीं करदा, आसमाना तू आवाज आंदी है, अल्लाह फरमांदे ने मैं तेनू दुनिया ते जलील कर देंगा, क्यामत वाले दिन ते जलील होना ही होना है। आखिरी हदीस पाक सुन ते बाद खत्म होन चलिए, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा ये पसंद करता है अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, अल्लाह उनके रिजक अंदर बरकत का नजूल कर देवे, उन्हें चाहिए अपने वालिदैन नाल चंगा सलूक करे, अपने वालिदैन का ख्याल करया कर, अपने वालिदैन की खुशी का गमी का इलाज मुआलजे का, अपने वालिदैन के खर्चे का, अल्लाह की कसम अगर तू ख्याल करेगा अल्लाह तेरे पैरों की मट्टी ने भी सोना बना देगा। तू नहीं जानता तेरे घर अंदर परेशानी की वजह क्या है, तू नहीं जानता तेरी बीमारी की वजह क्या है, तू नहीं जानता तेरे रिजक की बेबरकती का सबब क्या है, कदे गौर करया कर, तेरा अपने वाले दैन नाल किस तरह का रवैया है, अपने वाले दैन नाल किस तरह का तेरा रवैया, तर्ज़े जिंदगी कैसी है, जरा अपने वाले दैन का फर्मा बरदार बनते सही, अल्लाह तेनू दुनिया की भी इज्जत अता करे, अल्लाह तेनू क्यामत वाले दिन भी इज्जत अता करे। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह मल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।